हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आईपीएल ऑक्शन 2025, दिल्ली कैपिटल ओनर्स ऋषभ पंत 27 करोड़, जो हमने न्यूज सुन चुके हैं। फिर अय्यर 23.75 करोड़, और दूसरा अय्यर है 26.75 करोड़। ओए होए होए है, बस ये बेचारा वो तो 26 वाला तो कुछ ही से कम हो गया, नहीं तो वो भी हाईएस्ट होता है ना। कमाल है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और दूसरे दो चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज़ आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 40 लाख, 50 लाख। पंत भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मतलब आपको पैसा आ रहे लाए तो मेरे को 1 करोड़ रुपया दो ना। ऐसा सोच लो, आईपीएल ऑक्शन का डंडा एक बार नहीं उठा था, क्या ही फर्क पड़ जाएगा आपको। पंत भाई इतने खुश हुए जब उनको पता चला कि 27 करोड़ ने खरीद लिया उनको, और इतने ही दुखी हुए जब पता चला कि एलएसजी ने खरीदा है। केएल राहुल ने फोन करके बता दिया था कि यार देख ब्रो, पैसे तो बहुत देते हैं पर वर्क कल्चर इनका बड़ा ही टॉक्सिक है। पंत भाई ने बोला, हाँ हमारे वाला भी कुछ ऐसा ही था ब्रो, आसमान से गिरे खजूर में अटके। भाई मैं जैसे ही आंखें बंद करके आईपीएल ऑक्शन का नाम लेता हूँ ना, एक ही आदमी सामने आता है। इस आदमी ने मजाक मजाक में पंजाब किंग्स को 26 करोड़ का चिपका दिया श्रेयस अय्यर, और तकलो की कोमालिका ने जो स्माइल दी है, हद हरामी भाई साहब। दूसरा दुखी हो रही है, क्या कर दिया। मेरे को लगता है आईपीएल में जितने भी प्लेयर्स की बोली लगती है ना, ये लोग इस तकलू अंकल के साथ अपना कमीशन कुछ सेट करके रखते हैं कि भाई तू संभाल लियो यार, बाद में अपना हिसाब देख लेंगे। पता नहीं इसको देख के क्यों गुंडिया भाव की याद आ जाती है। इसको उबला हुआ पानी दे दे, बोलना अंडा अंदर पिघल गया, खर्चे करवा दिए। लास्ट टाइम वो सीएसके के ओनर ने किया था ना प्रीति जिंटा को ऐसे ऐसे ऐसे, इस बार इसने चिपका दिया श्रेयस अय्यर। रिकी पॉन्टिंग ने 20 करोड़ की बोली के बाद तो नेसवाड़िया का हाथी पकड़ लिया था टेबल के नीचे से। नहीं ब्रो, अम्मत उठा दियो इस टकले के चक्कर में, और मत रहियो, मैं इसके साथ बैठा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ उसकी हर रग से वाकिफ हूँ। ये श्रेयस अय्यर को तेंदुलकर के भाव में खरीदवा देगा। पॉन्टिंग ने निकाली मुंह से च्युइंगम, और जो डंडा रहता ऑक्शन का उसको चिपका दिया टेबल से कि अम्मत उठाइयो, पर वाड़िया जी माने नहीं, 26 करोड़ तक गए। डेविड वार्नर ने टकलो की कोमालिका को कमीशन नहीं दिया था तो बेचारे अनसोल्ड रह गए। वार्नर को नहीं लिया किसी ने, भाई को भी टेस्ट मैच की लॉलीपॉप लेके आईपीएल में अनसोल्ड कर दिया। और बेचारे केएल राहुल भाई को एक दिन पहले मॉक ऑक्शन में 29 करोड़ रुपए मिले थे, और जब रियल ऑक्शन आया तो उसका आधा पैसा भी नहीं मिला, 14 करोड़ में खरीद लिया। वो भी बहुत है। पंत राहुल भाई ने मस्त टीम एक्सचेंज करी है, एक एलएसजी से डीसी में आ गया और एक डीसी से एलएसजी में। श्रेयस अय्यर के आईपीएल ऑक्शन से पहले न्यूज आई थी कि केकेआर से 30 करोड़ डिमांड किए श्रेयस अय्यर ने, और केकेआर ने उनको बोल दिया और अब ऑलमोस्ट 30 करोड़ मिल चुके हैं भाई सच में। पर जिस अय्यर का सीन समझ में नहीं आया वो थे वेंकी अय्यर भाई, 23 करोड़ मिले। केकेआर वालों की श्रेयस अय्यर से ऐसी क्या लड़ाई हो गई थी कि वेंकटेश अय्यर को ही महंगा करके खरीद लिया। महंगा कुछ नहीं मिला तो सस्ते को ही महंगा खरीद लिया। वेंकटेश अय्यर को शायद पहले से ही पता था, उन्होंने राजू बनने की प्रैक्टिस कर ली थी। भाई साहब मेरे अकेले की फोटो लेना, अकेले हुए। संजीव गोयनका ने बीच आईपीएल ऑक्शन में ऐसे गंदे गंदे इशारे करे भाई साहब, प्रीति जिंटा और काव्या मनन तो यूं कर ली थी। पंत भाई का भी मन खट्टा हो गया था ऑनर को देख के, पर फिर उन्होंने जब नोट गिने उन्होंने बोला ठीक है भाई खेल लेंगे यार। सीएसके ऑनर्स को ही देख लो, इनको विजय शंकर को लेना था तो इन्होंने वेट किया अंबाती रायडू के रिटायरमेंट का, रायडू रिटायरमेंट लिया तब विजय शंकर लिया इन्होंने, कि भाई कैंप में शांति बनी रहनी चाहिए। सीएसके क्या इंडियन टीम वाली हरकत हो गई ना ये तो, कि विजय शंकर को ले लिया रायडू को हटा के। कोई भी अच्छा प्लेयर आ रहा था और जब कैमरा सीएसके की साइड जाता ये लोग भाई स्नैक्स ही खाते हुए दिख रहे थे, इनको कोई मतलब ही नहीं था रचिन और कॉनवे के अलावा किसी प्लेयर से। आहा सुपर,
श्रेया सैयर को 20 करोड़ में खरीदा ना भाई पंजाब की टीम ने। मैं तो कृष्णप्पा गौतम की बात से एग्री कर गया। वो कह रहे थे कि मैं पंजाब ही एक ऐसी टीम है जिनके साथ मैं तो नहीं खेलना चाहूंगा। दूसरी साइड सुनने में आया कि संजय मांझरे का शामी भाई का फोन ही नहीं उठा रहे। बोल रहे थे शामी भाई का इस सीजन में प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। शामी भाई नोटों की गड्डी लेके पहुंच गए उनके टेरेस पे, अब उड़ाए जा रहे। तुम लोग आईपीएल ऑक्शन ही देखते रह गए। उधर जिम्बाब्वे ने फिर से पाकिस्तान को पेल दिया। पाई कहा था ना ग्रेटेस्ट राइवलरी हो रही है, उधर पाकिस्तान आ रहा है। 80 रन से हरा दिया जबकि टारगेट ही 206 का था। एक बार रिजवान भाई ने एक बात कही थी, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। तेजू भाई यहाँ तो लन ही लन है, ऑस्ट्रेलिया से 3-0 लन और फिर यहाँ पे जिम्बाब्वे से। अंकल जी मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ रिजू भाई अपना दिमाग लगाओ और आईपीएल ऑक्शन देखने के बाद आपको जो भी आईपीएल की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम लगी उसको स्टेक पर जाके प्रिडिक्शन कर दो। उसके बाद देखो आप लाइफ में विन ही विन है। लिंक वही टेलीग्राम पे मिल जाएगा और आईपीएल ऑक्शन में जितनी भी चीजें हुई थी वो सब भी मिल जाएगी। सीएसके MIRR एंड KKR आईपीएल ऑक्शन, भाई ये लोग तो अपना तीन पत्ती खेल रहे थे, आईपीएल ऑप्शन से मतलब ही कहा था। टीसी आफ्टर बिडिंग फॉर श्रेयस अय्यर स्टाइल मारते मारते यहाँ तक कर्जे में डूब चुका हूँ। यार टकलू अंकल के साथ ये बात सच हो जाती अगर श्रेयस अय्यर इन्हीं को चिपक जाता ना सारी बस्ती निकल आती। ऋषभ पंत सोल्डिंग 27 करोड़, सोल्ड टू LSG, डर का माहौल है भाई साहब, कहीं ऐसा ना ऑनर गाली देने लग जाए मैच हारने पर। बॉल टचेस विराट कोहली बैट, कैमरा मैन अनुष्का शर्मा को दिखाया जाए, ये तो बिल्कुल सच बात है। बेचारे विराट भाई की 100 थोड़ी सी दब सी गई यार आईपीएल ऑक्शन के चक्कर में। CSK इन दिस आईपीएल ऑक्शन, भाई सारे यंग प्लेयर लाओगे तुम तो कैसे खरीदा जाएगा उनको। नो वन टकलू अंकल ओनली वन रोल इन आईपीएल ऑक्शन, अभी तो और बढ़ेगा। द्रविड ने तुझे सही टाइम पे डिक्लेयर करना नहीं सिखाया। भाई तुम सोचो कभी 95 पे होते चीकू भैया और बुमराह डिक्लेयर कर देते तो फिर जितनी तारीफें मिल रही है ना गालियों में बदल जाती। दाहल्स वाइफ धनश्री वॉचिंग द बिडिंग ऑफ आवर श्रेयस सैय्यर। देसी फैमिली एट द रेस्टोरेंट लुकिंग एट द मेन्यू कार्ड फॉर एन आवर एंड ऑर्डरिंग दाल तड़का एंड जीरा राइस। बटलर आ गया क्या, फिल सॉल्ट आ गया क्या, ठीक है भाई कौन में ऑर्डर कर दो। CSK सिलेक्टिंग सीनियर सिटीजंस बी लाइक, कबर से उठा के स्टार बना दूंगा, कबर से उठा के। भगवान कसम क्या रीयूनियन दिखा दिया तूने भाई साहब। धोनी अश्विन जड्डू मेरे रहना भाई और आ जाते ना तो CSK का तो मजे हो जाते। मैं दिनेश कार्तिक कसम खाता हूँ ऑक्शन में RCB की चुपाने RCB के मैनेजमेंट ने भी खूब गालियां खाई है भाइयों। मैंने 26 करोड़ में श्रेयस अय्यर को ले लिया, मैंने 27 करोड़ में ऋषभ पंत को, CSK कोई बुड्ढा मिले तो खरीदूं। धोनी टू विजय शंकर कचरा भी खेलेगा, ये बात धोनी भाई को भी अभी पता चली होगी कि कचरा को भी ले लिया। श्रेयस अय्यर व्हेन KKR स्पेंड 23 करोड़ फॉर वेंकटेश अय्यर, ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं, हमको यार आप दोनों का नहीं पता पर आप दोनों में पास पैसा है जो हम पे नहीं है। RCB मैनेजमेंट हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, वेरी गुड डिसीजन। मेरी कैपिटल्स अंकल इन आईपीएल ऑक्शन, मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं रेट बढ़ाने आता हूँ खरीदने नहीं। वेरी छोटा गाइस दिस बिडिंग वॉर फॉर श्रेयस अय्यर टेल्स अस व्हाई दिल्ली एंड पंजाब आर स्टिल ट्रॉफीलेस। क्या पता इस बार दिल्ली कैपिटल्स या पंजाब में से कोई ट्रॉफी ले जाए, क्या पता। और भाई अगर तुमको आईपीएल ऑक्शन पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, स्पाइक मोड में जाना। दिल्ली ने क्या लिया वो तो पता नहीं चला, पर कह रहे कोई पता नहीं एंड में दिल्ली या पंजाब में से कोई जीत जाए ट्रॉफी ले जाए तो कौन लेके जाएगा दिल्ली। काफी जगह जगह न्यूज आई हुई है ऋषभ पंत के जो 27 करोड़ है, बहुत जगह जगह वो न्यूज गई है कि मैसिव अमाउंट ऑफ मनी दिया गया। वाह शोर यहाँ बच चुका है भैया, बहुत मनी है। और अय्यर को भी कई लोग मेरे ख्याल से रिएक्शन पूछने वाले थे विराट कोहली को कैसा लग रहा है, मगर पता नहीं चला, मगर कुछ विराट कोहली भी शॉक में होगा कि ये चल क्या रहा है। विराट कोहली तक ये बात पहुंच गई है कि इसका 27 करोड़ है तुम्हारा क्या होगा। हाँ वही तो, और इतना मतलब क्यों लिया समझ नहीं आ रही है। कोई मतलब कैप्टन की इतनी जरूरत पड़ गई कि भैया तुमने इतना महंगा ले लिया एक प्लेयर, अपने अपने तो समझ में से बाहर है। भैया आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना कि थोड़ी ओवररेटेड काम हो रहा है इसलिए उनका बुरा हाल होगा। बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है सबके पास और हर साल ऐसे लगता है पैसा बढ़ रहा है हर साल, अगले साल नेक्स्ट टाइम जब होगा तब और ये लोग महंगे बिकेंगे। सोचो जब भी अनरियलिस्टिक कुछ काम करेंगे ना ऐसे गिरेंगे। चलो देखते हैं अब गेम जब होंगी तो आईपीएल में देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा होता है। गारंटी है अनरियलिस्टिक काम करोगे तो गिरोगे वो तो है, पर वो तो बहुत खुश हो रहा होगा, पंत तो बड़ा खुश हो रहा होगा, वो कहेगा उसको तो मजे ही मजे है। ऐसे डील कर हो सकता है डील करते हो कि हम इतना देंगे उसमें से इतना तुम हमें वापस दे दो, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।